नमस्कार जी, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल, हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ से। तो आज हमारे पास पेशेंट है रंजन जी, जो कि बिहार से आए हैं। पेशेंट को 2 साल से बीपी की प्रॉब्लम थी और 2 साल से किडनी की प्रॉब्लम है पेशेंट को। पेशेंट की मैं हिस्ट्री की बात करूं तो पेशेंट का डायलिसिस होता है, हफ्ते में 2 बार पेशेंट डायलिसिस करवाता है। और पेशेंट जब हमारे पास यहाँ पे एडमिट हुए थे तो पेशेंट को हमें यहाँ पे उनका एक डायलिसिस करना पड़ा था, क्योंकि पेशेंट की जो हालत थी जब वो घर से यहाँ पे आया था तो काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड था पेशेंट की बॉडी में। तो उसकी वजह से हमें जब इनकी कंडीशन देखी थी उस टाइम हमें एक डायलिसिस करना पड़ा। बट उस 8 दिन के बाद आज पेशेंट के यहाँ पे 8 दिन ट्रीटमेंट हो चुकी है। जब इनका डायलिसिस यहाँ से हुआ था पेशेंट का, तो डायलिसिस के बाद हमने जब अपनी ट्रीटमेंट यहाँ हिम से इनकी स्टार्ट करी थी, तो आज 8 दिन से पेशेंट का एक भी डायलिसिस नहीं हुआ है। और पेशेंट का कुछ काफ़ी पेशेंट को रिलीफ लगा है इन चीज़ों में, जैसे कि पेशेंट का पहले काफ़ी पीडल एडिमा था तो वो भी पेशेंट की अभी काफ़ी कम हुआ है, सोजिस ज़्यादा थी पेशेंट को और सांस लेने में प्रॉब्लम थी पेशेंट को, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो आइए मैं पेशेंट से आपको मिलवाता हूँ और पेशेंट से ही जानते हैं पेशेंट जब फर्स्ट दिन यहाँ पे आया था और आज पेशेंट 8 दिन के बाद क्या क्या चीज़ों में चेंजेस हुए हैं पेशेंट को। तो आइए मिलते हैं रंजन जी से। हाँ जी रंजन जी, बताइए कैसे हैं जी आप? जी नमस्कार, ठीक है। अच्छा रंजन जी, जब आप यहाँ पे एडमिट हुए थे तो तब क्या क्या दिक्कत थी आपको? उस समय जब हम एडमिट हुए थे तो हमको सांस फूलता था, मेरा डायलिसिस 2 साल से चलता था और यहाँ आने के बाद जो है काफ़ी मुझे रिलीफ हुआ है। तो रंजन जी, पहले कोई स्वेलिंग हो पैरों में, कोई सूजन वगैरह कुछ थी आपके? जी सूजन था। और आज आपके है सूजन? आज सूजन मेरे नहीं। ठीक है जी। तो पहले सांस फूलती थी कुछ ऐसा? जी बिल्कुल। और आज उसमें कंपेयर में कितना फर्क पड़ा आपको? बहुत से फर्क पड़ा है। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको 8 दिन हो गए हैं, हफ्ते में 2 डायलिसिस होते थे, तो आज कितने डायलिसिस करवा दिए यहाँ से आपके? ने करवाए हैं। हाँ, तो आज आपका आपको जो आपको भी लोग देख रहे हैं, जो आपकी वीडियो भी देख रहे हैं, तो उन लोगों को क्या बताना चाहते हैं आपकी? मैं तो चाहूँगा कि जो भी लोग इस किडनी की बीमारी से जो भी निराश हो चुके हैं यहाँ आकर के इलाज कराए, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मैं भी ठीक हूँ और जो भी लोग आए वो सब ठीक हो गए यहाँ से जाए। ठीक है जी। तो रंजन जी, कितना टाइम हो गया आपको इस प्रॉब्लम से जूझते हुए? 2 साल से मैं सर, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जिसको मैंने छोड़ा नहीं। अच्छा जी। और डायलिसिस वगैरह चलते थे आपके रेगुलर? जहाँ भी हम जाते थे वहाँ डायलिसिस होता था और ट्रांसप्लांट के लिए बोला जाता था। ठीक है जी। तो यहाँ के बारे में, हिम्स के बारे में कैसे पता चला आपको? हिम्स के बारे में हम यूट्यूब से देखे थे। ठीक है जी। तो यूट्यूब देख के आप हिम्स में आए हैं? जी। ठीक है जी। तो अभी आपके यहाँ पे आज 8 दिन हो गए हैं, तो खुश होके जा रहे हैं? जी खुश होके जा रहे हैं। अच्छा जी। तो लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं? जी संदेश देना चाहते हैं कि लोग आवे और यहाँ से अपना इलाज। और डाइट के बारे में, जो यहाँ का खाना पीना वो कैसा लगा आपको? एकदम बढ़िया लगा सर। सब मन कर रहा खाने का पूरा? जी जी कर रहा। ठीक है जी। तो ये थे हमारे साथ रंजन जी, जो कि 2 साल से डायलिसिस की प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और आज यहाँ पे हिम्स में इन्होंने, आज 8 दिन हो चुके हैं इनको और यहाँ पे कोई डायलिसिस की नीड नहीं पड़ी है पेशेंट को। काफ़ी चीज़ों में इनको रिलीफ लगा है। खांसी की प्रॉब्लम थी इनको, पेट साफ कम होता था, पैरों में सूजन थी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट के जब फर्स्ट डे आया था पेशेंट, और आज पैरों की सूजन भी नहीं है, खांसी भी पहले से काफ़ी फ़र्क है पेशेंट को, और सांस लेने में जो दिक्कत होती थी उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है पेशेंट को। तो आप सबको यही एक निवेदन है कि जिस पेशेंट को भी कोई किडनी की प्रॉब्लम है, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप हिम्स में एक बार आके अपनी ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए। थैंक यू सो मच। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।